के सामने हम मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 13 से 15 कंटेनर्स पड़े हैं और सबके सब खाली हैं। अब ये खाली अब हुए हैं या फिर ये पहले से खाली हैं? सफाई का इतना ही ज्यादा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है? आफ्टर और बिफोर की सूरत हाल हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि हम आवाम से फीडबैक लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल अनवर साहब, जो कि जीएम ऑपरेशंस हैं LWMC के प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं तमाम अफसरान, हमें आज फील्ड में नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों वर्कर्स छुट्टी पे थे, इस वजह से कुछ डिप आई थी, तो एक दफा दोबारा जो है वो सबका छुट्टी पर क्यों चले गए एकदम? क्रिसमस का मौका था, आपको पता है हमारे 80 पहले भी जब ये हुकूमत तब्दील हुई है तब भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। नहीं, उसमें उस वक्त हमें थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आए थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ बलदियाती नुमाइंदे थे उनकी तरफ से हमें इश्यूज आ रहे थे, बट वो अलीम खान साहब ने जब से सियासी मसले थे, सियासी भी आप कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि बजट के इश्यूज थे, बजट के भी एक दफा इश्यूज आए थे, लेकिन नई गवर्नमेंट ने फिर मीटिंग्स की, अलीम खान साहब खुद इस चीज को देख रहे थे, DC साहिबा इस मैटर को देख रही थी, तो ये काफी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। तो अब चूंकि चीजें स्मूथ हो रही हैं, तो हम खुद तमाम ऑफिसर, तमाम मैनेजमेंट, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी की वो फील्ड में मौजूद है, जितने हमारे टर्किश कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो फील्ड के दौरे कर रही हैं आप लोग, और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि लाहौर न्यूज़ की तरफ से भी काफ़ी हमें जो है निशानदेही की गई चीज़ों की, तो उसको भी बड़ा हमने सीरियस लिया, और आप लोग भी साथ मेहनत कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं। फिर आपका जो इनिशिएटिव कॉल लेने वाला है लोगों की कंप्लेंट, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं समझता हूँ इसी तरह अगर इदारे और मीडिया जो है चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए इकट्ठे हों तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी फील होगी। हम आगे की जानिब चलेंगे, क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूँ कि हम ये आफ्टर बिफोर वाली सूरत हाल आवाम से जानेंगे। रोड क्रॉस करते हैं, सामने कुछ शहरी हमें नजर आ रहे हैं, सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो हम उनसे फीडबैक ले लेते हैं कि इनका इलाका पहला कैसे था पहले और अब क्या सूरत हाल है, तब्दीली आई है तो क्यों आई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो बट साहब ना, बट साहब ग्रेट आदमी है। बट कौन सा? वो जो सफाई का था जिसे गले पे लगा हुआ है। तो ये मुझे बताइए सूरत हाल आपके इलाके की गंदगी के हवाले से पहले कैसी थी? पहले शुरू से बाट साहब बहुत देर के इधर हैं, बाट साहब फुल काम कराते हैं, जमादारों के साथ झगड़ा भी करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं काम 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 काम। बाट साहब पहले कैसी सूरत हाल थी यहाँ? पहले जब से बाट साहब आए इधर कोई खराबी नहीं। कैसे आए हैं, कब से? ये कई सालों से इधर ही है। ये इधर बाट साहब क्या हो ना इधर ये बेटा ये बाट साहब क्या आप यहाँ पे इलाके में क्या है? मैं यहाँ पे सुपरवाइजर की सीट पे मुझे। अच्छा, सुपरवाइजर की सीट पे, चले ठीक है, आगे भी चलते हैं। कुछ नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका जो फीडबैक है वो प्रोग्राम में बहुत जरूरी है। पहले कैसा था ये? सामने कंटेनर्स भरे हुए थे, खाली थे? जी माशाल्लाह भरे हुए थे पहले, लेकिन अब खाली हैं। सफाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो गई है, पहले से काफी अच्छी हो गई है। कब भरे हुए थे ये? सुबह भरे हुए थे लेकिन खाली हैं। अच्छा, आप खाली है, नहीं मीडिया टीम को देख के ये खाली हो? नहीं, नहीं, पहले भी सुबह खाली होती है, डेली खाली होती है। वैसे इलाके की सूरत हाल क्या है आपके? इलाका माशाल्लाह फिर ठीक है। अच्छा। सारी सफाई है, सब ठीक ठाक है। कोई बारिश के बाद की सूरत हाल? बारिश के बाद कम्प्रोमाइज ही होता है, सारा कुछ करना पड़ता है, खुद भी करना पड़ता है, उनसे भी करवाना पड़ता है। वक्त पे कूड़ा उठा लिया जाता है यहाँ से वक्त पे? बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल साहब आपने देखा है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर मुतमईन हैं सफाई से, लेकिन फिर भी हमें लाहौर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनके बारे में हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जहाँ पर कूड़ा बहुत ज्यादा है, जैसे कि शालमी हम अक्सर जाते हैं, प्रोग्राम करने भी जाते हैं, बीच में सड़क के बीच के अंदर कंटेनर्स हैं, तो ये कंटेनर्स रखने का मामला आपका कोई सॉर्ट आउट हुआ? क्योंकि पहले भी ये सवाल कर चुकी है, आप ये कह चुके कि कंटेनर कोई अपने प्रॉपर्टी के आगे रखने नहीं देता। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कोई भी ये पसंद नहीं करता कि उसके करीब बेस कंटेनर्स को रखवाया जाए। उसकी वजह ये, अब हमारे पास 8,500 कंटेनर हैं जो हमने प्लेस करने होते हैं। अगर हर जगह पे कंटेनर्स रखे जाएं तो बर वक्त कूड़ा उठाया जाएगा। अब जिस तरह आपने शालमी की बात की, तो वहाँ कोई और जगह नहीं है सिवाय उसके के जो जिस जगह पे हमने रखवाए हुए हैं। लेकिन इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, गाड़ियों का आपस में तसादुम भी होता है, मोटरसाइकिल्स की क्लैशेस भी होते हैं, इस तरह भी होता है, कई जगहों पे रिपोर्ट होता है। लेकिन ऐसा शालमी पे जब आपने हाईलाइट किया था, तो हमने दो बंदों की वहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है जो दो शिफ्ट्स में वहाँ बैठते हैं,
और अगर वेस्ट ज़्यादा हो जाए तो फौरन इतला करते हैं, हम उसे लिफ्ट करवा लेते हैं। अगर कोई ट्रैफिक में हर्डल आ रही हो तो हम टेम्प्रेरी बेस पे उसे हटा देते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आप हम जिन प्लेसेस को मेंशन करते हैं, हमेशा से टॉप स्टोरी ने जब भी किसी जगह को मेंशन किया अपने प्रोग्राम में तो वहाँ पर जो एक्शन है वो ज़रूर लिया गया है। अच्छा, ये ज़रूरत क्यों पड़ती है मैदान में आने की, हम जैसे लोगों को, हम जैसे मीडिया को, हम जैसे एंकर्स को मैदान में आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप लोग अपना काम खुद क्यों नहीं करते? देखिए, हम अपना काम कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट ये तो नहीं है कि हर वक्त मीडिया हमारे साथ होता है। ठीक है, आज हाईलाइट तो करते हैं और हमारी खबरों पे भी एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल, वो तो हम डेफिनेटली, ना सिर्फ आपकी, उसके अलावा भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपना पोर्टल एक बनाया हुआ है, चीफ मिनिस्टर का है, लोकल गवर्नमेंट का है, वो हमारे बंदे बैठे होते हैं, कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, फील्ड में एस्केलेट की जाती हैं और ये लोग फिर आगे उसे रिजॉल्व करवाते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सफाई की सूरत हाल क्या थी आपके इलाके में? जी, पहले से जो है ना कहना पड़ता है इनको कि यहाँ से उठा लें सामान, यहाँ से ये पड़ा हुआ काम पहले होता था, खुद ब खुद होता था सफाई। पहले कब? ये नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा। पहली हुकूमत के दौर में। जब से हुकूमत तब्दील हुई है तब से थोड़ा सा मसला देखने को है, बहुत चेंजिंग आ गई। किस चीज़ में? लोड शेडिंग हो रही है, बार बार हो रही है। ये सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही तो गर्मियों में क्या हाल होगा? और गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, पानी की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, देखिए ना, मसला तो ये है ना, उनके दौर में तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा जैसे हुकूमत तब्दील हुई, हमें सफाई के मामलात में भी बेहतरी नहीं देखने को मिली, ये क्यों मसला आया? नहीं, सफाई के, वैसे उन्होंने मेजर चीजें तो दूसरी रेस की हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट ही बता सकते हैं। जहाँ तक सफाई का मामला है तो ऐसी हमारी मैनेजमेंट लेवल पे कोई नहीं है, डिप नहीं आई, स्टाफ उसी तरह काम कर रहा है, वही वर्कर है, वही सुपरवाइजर है, वही जोनल ऑफिसर है। और खान साहब को क्यों सख्त रवैया अपनाना पड़ता है हर हफ्ते के बाद? देखें, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती है, उनका एक विजन है, वो उस विजन के मुताबिक चल रहे हैं और हम उनकी टीम है और जो वो बातें या डायरेक्शंस वो दे रहे हैं हमने उसको फॉलो करने हैं। वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना जीरो वेस्ट किया जाए। इमरान साहब, एक सवाल ये, अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं इनसे तस्वीरें मंगवाता हूँ व्हाट्सएप पे, मुझे अपनी सफाई की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाए, तो ये मुझे माल रोड और जेल रोड जो पहले से साफ सुथरे हैं उनकी तस्वीरें व्हाट्सएप कर देते हैं, उनकी ये शिकायत है? शिकायत के साथ साथ वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं और 15 दिन का वक्त भी दिया है। मगर मैं मदीहा ये कहूँगा कि 4 रोज़ कबल 5 रोज़ कबल उन्होंने इजलास बुलाया, मगर जब से लाहौर न्यूज़ ने ये 3 दिन से मुहिम चलाई है शहर के सड़कें गली कूचे, जब से हमने टीवी पे दिखाने शुरू हुए हैं, ये तमाम अफसरान अपने कमरे छोड़ के बाहर निकले हुए हैं और देखें कहाँ पर ये अपना काम कर रहे होते हैं, मगर वैसा काम जिस तरह से लोग भी चाह रहे हैं। लोग हैं हमारे, इनको तो कभी हमने देख भी लिया फील्ड में, इंटरव्यू के लिए भी फील्ड में ले आए, लेकिन जो वो गैर मुल्की कंपनी के अहदेदारान है वो तो पहली मरतबा हमने देखा। लाहौर न्यूज की स्क्रीन में सबसे पहले लाहौर न्यूज ने उनको दिखाया है और बताया है कि ये वो लोग हैं जो शहर लाहौर को साफ कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 7 साल से यहाँ पर आए हुए हैं और शहर लाहौर में 32 अरब रुपए मालियत डॉलर का जो है ठेका इनको दिया गया था, 18 डॉलर टन है जो वो पाकिस्तान को कूड़ा उठाने की मालियत में ले रहे हैं। मगर इसमें मैं आपको ये पहले बता दूँ कि इसका सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर को साफ करना होगा, किसी सूरत में भी साफ करना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। शहर लाहौर फौरी तौर पर कचरा कंडी का मंजर पेश करने लगता है और ये मॉडल शहर है और इसको अगर साफ ना किया तो आपके सामने ताफुन फैलना शुरू। अभी तो बारिश नहीं हुई, अभी तो बारिश अगर ज्यादा होगी तो पूरा शहर और शहर कराची जो है वहाँ पर अब शहर लाहौर की मिसाल दी जाती है कि जिस तरह से शहर लाहौर साफ सुथरा है वैसे भी कराची को किया जाए, लेकिन शायद इसको नजर लग जाती है, बीच में कुछ गंदगी हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से हम प्रोग्राम भी करते हैं। कुछ मजीद भी शहरी है, मुझे जरा आप इजाजत दीजिए शहरियों से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके की सूरत हाल कैसी रहती है सफाई के हवाले से? सफाई कॉल करो तो आगे करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कचरा ही बड़ा रहता है। फिर अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत ही होता ही है, प्रोग्राम में जाकर आते हैं या उसके बाद वो भट्ट साहब को वहाँ से भी वो आते हैं, होता है, अदरवाइज कोई नहीं उठाने वाला होता। ये भी अभी आए हैं तो आपके रोड की सेंटर की सफाई हो रही है, यहीं पे भी नहीं होता। जी बिल्कुल, इनकी कंप्लेन जायज हो सकती है, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि कॉल करते हैं तो वो कॉल हमारे नुमाइंदे को ही करते हैं और उस पर फौरन एक्शन होता है। जो पीछे कंटेनर हैं हमारे, ये डेली जो हैं सुबह के टाइम एक दफ़ा लिफ्ट होते हैं और अगर शाम को ज़रूरत पड़े तो दोबारा फिर यहाँ से हो जाते हैं। कॉल करेंगे तो एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। ये कैमरा मैन दिखाएं, आप लोग गंदगी क्यों मचाते हैं? ये अब उठाइए ज़रा इसको।
कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है, इकट्ठा करके रखते हैं, पीछे कवर करके हम रखते हैं इसको ना। शहरियों का भी ये फर्ज है, सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारा अकीदा और ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। तो शहरियों ने खुद कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, वो खुद थोड़े अवेयर हुए। मदीहा देखे, शहरियों का तो काम है ही, मगर मैं फिर वही कहूँगा कि ये तो हम एक इलाके में हैं, ये इस्लामपुरा का इलाका है। हमने सांदा रोड भी देखा, यहाँ इस्लामपुरा में भी आगे सेक्रेटरी की बैक साइड भी हम इसी को मौजूद हैं। रशी इलाका है, अर्बन इलाका है, लोग हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। अच्छा, ये किस्म के जो बच्चे होते हैं, एक सेकंड राना भाई, अस्सलाम वालेकुम, इस किस्म के जो बच्चे होते हैं ये खुद कूड़ा उठाते हैं, पूरे शहर में मुझे नजर आते हैं इस किस्म के बच्चे। बेसिक जाकर बंद रोड पे गत्ता फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जाके ये कूड़े को अलग अलग करते हैं और कूड़े को अलग अलग करके ये पैसों के एवज उनको कूड़ा बेचते हैं। मददगार साबित होते हैं आप लोगों के लिए? जी, मददगार तो साबित हो सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी सेहत के लिए ये चीज ठीक नहीं है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन्हें अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, ठीक है, ताकि आप सोच रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस पे हमने बहुत अच्छी बात होगी कि लाहौर में तकरीबन 8,000 ऐसे सब इन लोगों को मैंने कूड़े पे ही सोते देखा है। जी बिल्कुल, ये और ये बहुत डेंजरस चीज है, आपको पता है जरासीम वगैरह होते हैं तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। 8,000 की तादाद है इनकी लाहौर शहर में, हमने सर्वे की, डेटा इकट्ठा किया आपने? जी जी बिल्कुल, हमने डेटा इकट्ठा किया और अब हम सोच रहे हैं कि इनको सिस्टम में हम इंटीग्रेट करें। जो ये रिसाइकलिंग कर रहे हैं या जो रिसाइकेबल मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम सिस्टम में लेके आए, इनको इंडक्ट करें अपने सिस्टम में, तो ये होपफुली 5-6 महीने के अंदर हम जॉब पे लगेंगे। जी ऐसे ही तनख्वाह दी जाएगी, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तनख्वाह भी दी जा सकती है और इनसे ये मटेरियल ले लिया जाए और वो कॉस्ट को हम कवर कर लें और इनको हम हेल्थ एंड सेफ्टी गैजेट्स दे दें जिससे इनकी सेहत भी मुतासर ना हो और रोजगार भी मुतासर ना हो। बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत ही अच्छी बात है। मदीहा, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा कि ये एक यूनियन काउंसिल है, लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल की अगर बात की जाए तो उसमें से अभी तक 70% हमें हमारे टेलीफोन आ रहे हैं हमारे अपने टेलीविजन पे को देखकर लोगों के, तो वो शिकायत जो है ना वो शिकायत रुक नहीं रही, शिकायत है मगर रूरल इलाकों से आ रहे हैं ज्यादातर। कि यही मैं सुहेल साहब से बात करना चाहता हूँ कि जो अर्बन एरिया है वो काफ़ी हद तक हमें साफ नज़र आ रहा है और जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे प्लाट्स बड़े हुए हैं, प्लाटों में लोगों ने कूड़े फेंके हुए हैं, वहाँ से कैसे आपकी मशीनरी जाएगी, किस तरह से उसको सफाई उठा करेगी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ठोकर पर भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, फिरोजपुर रोड हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ, ये जब की तब्दीली आई हुई है आज तक कभी सफाई नहीं हुई यहाँ पे, हमारे मोहल्ले में हमारे इलाके में गंदी रहता है, कोई ये है कोई शापर फेंक गया तो उसको उठाना नहीं किसी ने, ठीक है ना। अब ये कल के आए हुए नंबर बनाने अपने, कोई ये हम तब्दीली आ गई, हम सफाई करना चाहते हैं या गंद ना फेंकना या गंद फेंको कोई जुर्माना होगा, और जब तक पाकिस्तान बनाया जब का उस वक्त तो जुर्माने नहीं हुए, आप तब्दीली आ गई तो आप जुर्माने करने शुरू कर दिए। ये तब्दीली हर चीज़ महंगी ये तब्दीली नहीं है, इसको बल्ला दें वापस, ये वापस अपने क्रिकेट खेलने जाए, हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए, साफ सीधी बात। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये फीडबैक है आवाम का कि जब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आई है जुर्माने और फंड्स की मद में पाकिस्तानी आवाम से बहुत सारे जो पैसे वो ले लिए गए हैं। हेलमेट आपने देखा, अभी हेलमेट की मद में अरबों रुपए जुर्माना जो है इकट्ठा कर लिया गया, तो आवाम इस चीज से भी तंग है कि अब कूड़े के ऊपर भी जुर्माना होगा। जी बिल्कुल मदीहा, हाईकोर्ट के हुक्म पर ना माल रोड पे पाबंदी लगाई गई थी कि दुकानों के आगे आपने कूड़ा नहीं फेंकना, जिसके बाद इनका एक महकमा है जो टैक्स कलेक्ट करता है, उन्होंने फिर जुर्माने करने शुरू किए और जुर्माना 500 और 1,000 रुपया किया जाता है दुकानदारों को कि आपने अपनी दुकान के आगे कूड़ा नहीं फेंकना, अगर फेंकना तो डस्टबिन में फेंकना है। अच्छा ये तो इनकी बात हो गई, मगर पूरे शहर लाहौर में क्या शहरियों को इसी तरह सताया जाएगा? हम अपना किबला क्यों नहीं ठीक करते? कंपनी 32 अरब डॉलर के साथ चल रही है और पंजाब गवर्नमेंट की, तुर्की की मकरूज नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की मकरूज है। अगर पुरानी गवर्नमेंट होती तो शायद कंपनी मकरूज ना रहती, कंपनी जो है वो जो पुरानी गवर्नमेंट जो है वो इनको गिफ्ट कर देती, मगर अब कंपनी जो है वो 32 अरब डॉलर की मकरूज है पंजाब गवर्नमेंट की, क्योंकि नई गवर्नमेंट तो कभी भी इनको अपने पैसे नहीं छोड़ेगी, वो तो इनको इनसे पैसे लेगी, मगर 42 सेक्शन के तहत ये कंपनी बनाई गई है, इनके पास रेवेन्यू जनरेट करने वाला कोई भी ऐसा आला नहीं है कि इनके पास रेवेन्यू आता हो। अगर इनकी अगर खाद की बात की जाए तो वो खाद जो है ये अपनी बनाते हैं, अगर खाद को PHA खरीदना शुरू कर दे तो इनको आपको पता है कि 36 करोड़ रुपया सालाना इनको मिलना शुरू हो जाए अगर PHA 4 कैटेगरी में खाद को ले आए। अभी जो इनकी खाद है वो 1 कैटेगरी में है, अगर ये 4 कैटेगरी में ले आते हैं 36 करोड़। काम है जो अभी करने बाकी है। एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूंगी सुहेल साहब, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी,
कूड़े से भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेप कब लेकर आएंगे आप? जी पहले तो मैं इमरान मलिक साहब की बात का जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की 32 अरब की कंपनी मकरूज है, तो ये कंपनी है किसकी? ये पंजाब हुकूमत की है, किसके लिए काम कर रही है? पंजाब के लोगों के लिए, लाहौर के लोगों के लिए, लोगों पे ही लग रहा है। चूंकि ये मॉडल पंजाब हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया था आउटसोर्सिंग वाला, तो जाहिर बात है मैं कुछ और कह रहा हूँ। पुरानी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और पुरानी गवर्नमेंट ने आपको ये कर्ज लेकर दिया था, मगर पुरानी गवर्नमेंट अगर होती तो मैंने ये भी साथ कहा है कि वो आपको ये कर्जा माफ कर देती, मगर नई गवर्नमेंट ने आपको कर्जा माफ नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, पुरानी गवर्नमेंट ने भी करना होता तो 10 साल वो रहे थे, कर देते। ये एक सिस्टम के तहत उन्होंने बनाई थी और वो उन्होंने खुद गारंटी दी थी कि तुर्किश कंपनियां आ रही हैं तो पैसे पंजाब हुकूमत देगी, हमें तो नहीं है अलाउ, हम रेजिडेंस से ले तो नहीं सकते। आखिरी सवाल, ये जो मुहिम आपकी है ये कब तक जारी रहेगी? ऐसे ही जारी रहे तो बहुत अच्छा रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगी, जैसे आपने देखा थोड़ा सा रिएक्शन भी आ रहा है। अभी एक साहब आए, उन्होंने कहा चालान कर रहे हैं। हमने 3 महीने पहले मैसे जो है एक कंपेन चलाई अवेयरनेस की, उसके बाद हम लोग चालान वाली तरफ भी आए हैं। तो अब जो इसकी वायलेशन करेंगे उनके चालान भी होंगे और वो कौमी खजाने में जमा भी होंगे और लोगों में सेंसिटाइजेशन। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे प्रोग्राम से, इतना ही। मुहिम जो है ये लाहौर न्यूज़ की है, ये लाहौर न्यूज़ ने कूड़े के साथ जंग कर रहा है और LWMC के अफसरान को बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि ये कूड़ा तो ये उठा रहे हैं मगर हम निशानदेही कर रहे हैं, हमारा काम है निशानदेही, हम करते रहेंगे। थोड़ी सी हमें फैसिलिटेट करे मीडिया, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कोई नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ लोगों से यही पूछा जाता है कूड़ा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे। शहरी इलाकों में एनिमल्स क्यों हैं? अभी आप इस पे भी प्रोग्राम करें, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, पोश इलाकों में भी हैं, क्यों नहीं उन्हें निकाला जाता? उनका जो गोबर है वो हमें उठाना पड़ता है। जो बंदा कंस्ट्रक्शन करता है अपना वेस्ट ला के रोड पे फेंक देता है, ठीक है, ये चीजें हैं, इनको भी आप फोकस करें, कूड़े के जुमरे में नहीं आता है। सुहेल साहब आपका, इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको तमाम मोहदेदारान से मिलवाया है, इसके साथ ही हमने अवामी फीडबैक भी ली है। ये जो मुहिम का सिलसिला है ये जारी रहेगा और हमारा प्रोग्राम और हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे और आपके मसाइल जो है हमेशा की तरह हल करने के लिए कैमरे के आगे आएंगे और आपकी आवाज जरूर बनेंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह करिएगा और कोई मसला हो तो हमें जरूर बताइएगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।